बच्चों गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और ये दूसरा सेशन है आपका आज के वर्ड पावर का, वो कैप का। तो ये जितने भी आपके एग्जाम शेड्यूल होने वाले हैं सारे एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा। तो शुरू करते हैं आज से वर्ड पावर दूसरा सेशन। पहला वर्ड आप देख रहे होंगे स्क्वांडर, एक वर्ब के रूप में है। वेस्ट समथिंग स्पेशली मनी और टाइम इन अ रेकलेस एंड फुलिस मैनर। यानी अगर हम किसी चीज को बर्बाद करते हैं, नष्ट करते हैं, खराब करते हैं, स्पेशली अगर हम मनी या टाइम मीन्स अपना पैसा या समय बर्बाद करते हैं तो फिर हम उसे अपव्यय करते हैं, बेवजह हम खर्च करते हैं, व्यतीत करते हैं। सनन्स वेस्ट, मिस स्पेंड, थ्रो अवे, डिसिपेट कर देना। एंटोनिम्स एक्यूमुलेट करना, एग्रीगेट करना, अमाश करना, कलेक्ट करना, गैदर करना। यूज है इसका पार्लियामेंटेरियंस शुड नॉट स्क्वांडर इंडो पाक टास्क ओवर पंच ट्रेजरी। यानी पार्लियामेंटेरियन जो सांसद हैं, जो संसद के लोग हैं, शुड नॉट स्क्वांडर इंडो पाक टास्क। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली जो टॉक्स हैं, वार्ताएं हैं, शुड नॉट स्क्वांडर, उसे बेकार नहीं जाने देना चाहिए ओवर पंच ट्रेजरी। यानी पंच में जो ट्रेजरी हुई उसकी वजह से उन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच जो वार्ताएं होने वाली हैं उन्हें स्क्वांडर नहीं करना चाहिए, उन्हें व्यय नहीं करना चाहिए, उन्हें बेवजह खराब नहीं करना चाहिए। तो स्क्वांडर, स्क्वांडर मीन्स खर्च करना, बेवजह खर्च करना। दूसरा एग्जाम्पल है ऑल द स्टूडेंट्स वोट, यानी सभी विद्यार्थियों ने शपथ ली, कसम खाई नॉट टू स्क्वांडर दिस अपॉर्चुनिटी, कि इस अवसर को वो नहीं गंवाएंगे। वो तो स्क्वांडर मीन्स अपव्यय करना या बेवजह खर्च करना। दूसरा वर्ड है पेडिकामेंट, नाउन है आपका। और डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट और इंबैरेसिंग सिचुएशन, कोई ऐसी परिस्थिति जो बहुत कठिन परिस्थिति होती है वो पेडिकामेंट होता है। सनोनिम्स है मेस, डिफिकल्टी, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन या इशू। अगर एंटोनिम्स देखें हम तो अस्योरेंस है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, रेस्ट है, डिसीजन है, ईज है, कंफर्ट है या कामनेस है। अगर हम इसका यूज करें This is a predicament, यानी ये वो कठिन परिस्थिति है many youngsters, जो बहुत सारे युवा बच्चे जो हैं in their mid 20s face, अपने 20-25 की उम्र में face करते हैं predicament, में कठिन परिस्थिति। दूसरा यूज है we don't know, हम नहीं जानते हैं how to get out of the predicament, कि इस कठिन परिस्थिति से कैसे बाहर निकले। we are in, जिस कठिन परिस्थिति में हम इस समय हैं। तो पेडिकामेंट, पेडिकामेंट मीन्स कठिन परिस्थिति। बीफिटिंग, बीफिटिंग बी और फिट से बना है, एडजेक्टिव है आपका। अप्रोप्रिएट टू द ओकेजन, यानी जो चीज अवसर के अनुकूल हो, उपयुक्त हो, उचित हो, वह बीफिटिंग होता है। फिटिंग है, अप्रोप्रिएट टू है, फिट फॉर है, सुटेबल फॉर है, एप्ट फॉर है, कंपैटिबल विद है, कंसिस्टेंट विद है, मीन्स सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स आपके हैं अकवर्ड है, इल बिकमिंग है, इल फिटिंग है, इम्प्रॉपर है, मीन्स इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। यूज देखें दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार हुआ इंडिया गिव अ बिफिटिंग रिप्लाई टू पाकिस्तान, कि भारत ने एक उचित जवाब पाकिस्तान को दिया। दूसरा एग्जाम्पल है ऑल द एस्पिरेंट, सभी जो अभ्यर्थी हैं वांटेड, वो चाहते थे टू गिव अ बिफिटिंग रिप्लाई, कि वो सही जवाब दे, उचित जवाब दे टू द क्वेश्चन, उस प्रश्न का, यानी सभी अभ्यर्थी उस प्रश्न का सही उचित जवाब देना चाहते थे। तो बीफिटिंग, बीफिटिंग में उपयुक्त या उचित। जी वर्ड है आपका ट्रांसग्रेशन, मीन्स एन एक्ट दैट गोज अगेंस्ट अल्लाह, मीन्स उल्लंघन या अतिक्रमण। एक ऑफेंस है, एक क्राइम है, एक सिन है या मिसडेमीनर है। एंटोनिम्स देखें तो ब्लेमलेसनेस है, इनोसेंस है, इंटीग्रिटी है, मोरालिटी है या प्योरिटी है। अगर हम इसके यूजेस देखें तो पाएंगे इट मे बी अ टेम्पररी ट्रांसग्रेशन बाय चाइनीज सोल्जर्स इन अरुणाचल प्रदेश, यानी मे बी अ टेम्पररी ट्रांसग्रेशन, यह एक अस्थायी अतिक्रमण या उल्लंघन है बाय चाइनीज सोल्जर्स, उन चीन के सैनिकों के द्वारा इन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वी कैन सी ट्रांसग्रेशंस, हम उल्लंघन देख सकते हैं या अतिक्रमण देख सकते हैं अगेंस्ट द लॉज ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटीज एवरीवेयर, यानी जो सभ्य समाज है उसके नियमों के खिलाफ
हम अक्सर देख सकते हैं कि उल्लंघन हो रहे या अतिक्रमण हो रहे हैं. तो ट्रांसग्रेशन, ट्रांसग्रेशन मीन्स उल्लंघन या अतिक्रमण. कैंडर, कैंडर मीन्स जो एक नाउन है, अस्पष्टवादिता या खरापन. यदि हम किसी से साफ साफ बोलेंगे तो वही कैंडर होता है. द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन एंड ऑनेस्ट या फ्रैंकनेस. सोनोनिम्स हो जाएंगे फ्रैंकनेस, ओपननेस, ऑनेस्टी या कैंडरनेस. एंटोनिम्स हो जाएंगे गॉर्डनेस, इवेसिवनेस, इनसिंसियोरिटी. यूजेस अगर आप देखें, नरेंद्र मोदी कैंडर शुड इनिशिएट फार रीचिंग रिफॉर्म. यानी हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका जो कैंडर है, उनकी अस्पष्टवादिता है, शुड इनिशिएट फार रीचिंग रिफॉर्म. इनिशिएट मीन्स आरंभ करना, फार रीचिंग मीन्स दूरगामी और रिफॉर्म मीन्स सुधार. यानी उनकी जो अस्पष्टवादिता है वह एक दूरगामी सुधार को शुरू कर सकती है. दूसरा एग्जाम्पल लें, एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड, हर कोई इम्प्रेस था, नहीं होगा बाई होगा, बाई द कैंडर ऑफ हिज स्टेटमेंट. उसके स्टेटमेंट की अस्पष्टवादिता से हर कोई इम्प्रेस था. मीन्स कैंडर, कैंडर मीन्स अस्पष्टवादिता. इस पर वर्ब है यहां पे रिजेक्ट विद डिस्टेन और कंटेम्प्ट. जब आप किसी को डिस्टेन और कंटेम्प्ट घृणा के साथ रिजेक्ट कर देते हैं तो आप उसका तिरस्कार करते हैं, आप उसे रिफ्यूज करते हैं, डिक्लाइन करते हैं, से नो कहते हैं उसे, रिजेक्ट करते हैं, रिबफ करते हैं या स्कॉर्न करते हैं. लेकिन अगर आप एंटोनिम देखें तो उसका तिरस्कार करने के बजाय हम उसे अडोर करते हैं, ऑनर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, रेवर करते हैं, रेवरेंस देते हैं या वेनरेट करते हैं. अगर हम इसके यूज को देखें तो दीज इंडिपेंडेंट पीपल, ये जो आत्मनिर्भर लोग हैं, इस पर घृणा करते हैं, तिरस्कार करते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है. ऑल ऑफर्स ऑफ फाइनेंशियल है, जब उन्हें कोई आर्थिक सहायता का ऑफर दिया जाता है, यानी आर्थिक सहायता के ऑफर्स को ये आत्मनिर्भर लोग स्पर्न करते हैं, मीन्स उसका तिरस्कार करते हैं. तो स्पर्न, स्पर्न मीन्स तिरस्कार करते. सकम एक वर्ब है, फेल टू रेसिस्ट फेस, जब आप किसी दबाव को सहन न कर पाए, टेम्परेशन किसी लालच के आगे झुक जाए, आज सम अदर नेगेटिव फोर्स या किसी नकारात्मक शक्ति के आगे झुक जाए, तो आप सकम कर दे रहे, मीन्स झुक जा रहे, हार मान ले, समर्पण कर दे रहे. यील्ड, गिव इन, गिव वे, सबमिट, सरेंडर, कैपिचुलेट, सिनोनिम्स हो सकते हैं. सर्वाइव, कम थ्रू, पुल थ्रू या पुल राउंड, एंटोनिम्स हो सकते हैं. अगर हम इसके यूज देखें तो द कंट्री विल नॉट सकम, यानी देश जो हमारा है वो कभी भी नहीं झुकेगा टू एनी प्रेशर फ्रॉम एनीवेयर. कहीं से भी कोई भी प्रेशर पड़े, हमारा देश जो है वो सकम नहीं करेगा, मीन्स झुकेगा नहीं. एक और एग्जाम्पल देखें, यू मस्ट नॉट सकम टू एनी टेम्पटेशन, यानी आपको किसी लालच के आगे झुकना नहीं चाहिए, समर्पण नहीं करना चाहिए. तो सकम, सकम मीन्स झुक जाना, हार मान लेना. एस्ट्यूट एडजेक्टिव है आपका, हैविंग और शोविंग एन एबिलिटी टू एक्यूरेटली असेस सिचुएशन. यदि आपके पास ऐसी क्षमता है कि आप किसी सिचुएशन को असेस कर सकते हैं, आकलन कर सकते हो, और पीपल या लोगों का आकलन कर सकते हो, एंड टर्न दिस टू वंस एडवांटेज, और इससे अपना लाभ ले सकते हो, तो आप एस्ट्यूट हैं, मीन्स बुद्धिमान है, चौड़ाक है आप. श्रेउड है आप, एक्यूट हैं, इंजीनियस हैं, कैनी है या इनिशिएटिव है, मींस बुद्धिमान है, चालाक है. अगर कोई ब्लाइंड है, डल है, इडियोटिक है, इम्बेसाइल है, शैलो है इन परिस्थितियों में, इट मींस वो मूर्ख है. यूज देखें, दीज एस्ट्यूट रीडर्स विल नोटिस द एरर्स, यानी ये जो बुद्धिमान रीडर्स हैं ये उन एरर्स को नोटिस कर लेंगे, देख लेंगे. दूसरा एग्जाम्पल है, शी इज एन एस्ट्यूट ऑब्जर्वर, वह एक एस्ट्यूट ऑब्जर्वर है, यानी एक ऐसी है बुद्धिमान व्यक्ति है, ऑफ द करेंट पॉलिटिकल सीन, जो इस राजनीतिक स्थिति को अच्छी तरह से भाप सकती है, उसे ऑब्जर्व कर सकती है, क्योंकि वह एस्ट्यूट है. एनर, अनन में होता है जो कि वर्ब है, अंत कर देना, मिटा देना, किसी नियम, किसी कानून, किसी एग्रीमेंट को समाप्त कर देना. डिक्लेयर इनवैलिड, उसे अवैध घोषित कर देना, कोई ऑफिशियल एग्रीमेंट हो, डिसीजन हो, रिजल्ट हो. अगर हम सिनोनिम्स देखें, नलीफाई करना, इनवैलिडेट करना, वॉइड कर देना, रिपील कर देना, रिवर्स कर देना, रेसेंट कर देना, रिवोक कर देना, एबॉलिश कर देना, एलोकेट कर देना, ये सारे आपके इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे.
एंटोनिम्स हो जाएंगे, किसी को ऑथराइज कर देना, कन्फर्म कर देना, इनैक्ट कर देना, एस्टैब्लिश कर देना, लिबरलाइज कर देना, यानी उन्हें समाप्त करने के बजाय उन्हें स्थापित कर देना और आगे बढ़ा देना। यूजेस इसके हैं, कन्वर्जन विल नॉट एनल ऑफ हिंदू मैरिज, यानी अगर कोई धर्मांतरण करता है तो इससे हिंदू मैरिज का जो सिस्टम है वो उसका समापन नहीं होगा, वो समाप्त नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल है, दे आर प्लानिंग टू एनल देयर शॉर्ट लाइफ इन एडवाइस्ड मैरिज, यानी अपनी कम अवधि वाली और गलत तरीके जो उसने उन्होंने शादी की थी उसे एनल करना चाहते हैं, उसे समाप्त कर देना चाहते हैं। तो एनल, एनल में अंत कर देना, मिटा देना। लाइक ये इंटरजेक्शन है जो हम तब यूज करते हैं जब हम कोई अपना दुख, अपनी पीड़ा प्रकट करना होता है, तो शोक सूचक शब्द है आपका, यूज टू एक्सप्रेस सारो और डिस्ट्रेस। एलॉस या लाइक अडे इसके सोनोनिम हो सकते हैं। एलिलिया, ग्लोरी, हुर्रे, आल्सो हुर्रा और हुर्रे कहते हैं। वुपी, वाहू, याहू, ये भी अगर हम यूज करते हैं तो हम इसके एंटोनिम्स यूज करने खुशी प्रकट करते हैं। यूज इसका है अलाइक, इट इज ट्रू, ये सच है कि द वनली गुड रेस्टोरेंट इन टाउन इज क्लोजिंग। हे ईश्वर, ये सच है कि एकमात्र जो हमारी रेस्टोरेंट था हमारा इस टाउन में वो भी बंद होने जा रहा है। तो कहीं भी अलाइक है मीन्स वो दुख का सूचक शब्द है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं। अगर आपको कोई अपेरिटिव दे रहा है तो वह भूख जगाने वाली मदिरा दे रहा है जो भोजन से पहले पी जाती है। एन अल्कोहलिक ड्रिंक टेकन बिफोर अ मील टू स्टिमुलेट द एपेटाइट, जो आपकी भूख को बढ़ाने का काम करे वो अपेरिटिव है आपका। दे सर्व अस शैंपेन एस एन अपेरिटिव, यानी एक भूख बढ़ाने के लिए उन्होंने हमको शैंपेन दिया ताकि हम बेहतर तरीके से खा सकें, तो वो अपेरेटिव होता है जो भूख बढ़ाने के काम में आता है। तो अपेरेटिव भूख जगाने वाली मदिरा जो भोजन से पहले पी जाती है। एपोप्लेक्सी, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। बहुत अधिक अगर कोई गुस्सा है तो उसके अंदर एपोप्लेक्सी है। अ स्टेट ऑफ इंटेंस एंड ऑलमोस्ट अनकंट्रोलेबल है, जब किसी के अंदर अनियंत्रित गुस्सा हो, बहुत ज्यादा गुस्सा हो, तो उसके अंदर एपोप्लेक्सी है। हर स्पीच कॉज्ड एपोप्लेक्सी, यानी उसका जो बोलना था, उसका जो भाषण था, उसकी वजह से लोग गुस्सा हो गए। एवं द ऑडियंस मेंबर्स, वो लोग जो ऑडियंस में बैठे हुए थे, यानी ऑडियंस के लोग उसके स्पीच की वजह से एपोप्लेक्सी के अधीन हो गए, मींस बहुत अधिक क्रोधित हो गए। तो एपोप्लेक्सी बहुत अधिक गुस्सा। एशिना, आप समझते होंगे अगर कुछ लियोनाइन है तो वो शेरो जैसा है, अगर वो कैनाइन है तो कुत्ते जैसा है, अगर वल्पाइन है तो लोमड़ी जैसा है, अगर वो बोवाइन है तो गाय बैल जैसा है, ऐसे ही अगर कोई एशिनाइन है तो फिर वो गधे जैसा है। एक्सट्रीमली स्टूपिड और फॉलेस, एशिनाइन जो व्यक्ति बिल्कुल बेवकूफ हो। इट वॉज एशिनाइन, ये गधों जैसा था, टू रन इन टू द स्ट्रीट लाइक दैट, इस तरीके से आप सड़क पे क्या कर रहे हो, दौड़ रहे हो, तो इस तरीके से सड़क पे दौड़ना, गली में दौड़ना एशिनाइन था, मीन्स गधे जैसा था, मूर्ख जैसा था। तो एशिनाइन गधे जैसा। बिलो, विशेषतः जल तरंगों के लिए हम इसका यूज करते हैं। बिलो का वेव, स्पेशली अ ग्रेट वेव और सर्ज ऑफ वाटर, जब बहुत अधिक पानी लहर के रूप में आए तो वह बिलो होता है। द रोलिंग बिलोज, यानी जो लहर लेती हुई जो धाराएं थी ऑफ द सी, समुद्र की, आर वेरी डेंजरस, वो क्या होती है, बहुत खतरनाक होती है। तो बिलो, बिलो मीन्स जल तरंग। बिंज, बहुत अधिक खाना पीना, बिंज करना होता है। टू ईट, ड्रिंक एटसेट्रा टू मच इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी थोड़े समय बहुत अधिक खाना पीना बिंज कहलाता है। इट इज अ प्रोग्राम, ये एक ऐसा प्रोग्राम है डिजाइन, जिसका निर्माण किया गया है, इसे बनाया गया है टू एजुकेट कॉलेज स्टूडेंट्स, कॉलेज के विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिए अबाउट द डेंजर्स ऑफ बिंज, बहुत अधिक खाने पीने के जो खतरे होते हैं उनसे जागरूक करने के लिए प्रोग्राम बनाया गया। तो बिंज, बिंज मीन्स बहुत अधिक खाना पीना। हेड्स विल रोल, समझ सकते हैं, हेड्स विल रोल यानी लोगों को ऑफिस से हटा देना, मीन्स उन्हें बर्खास्त कर देने की क्रिया जो होती वो हेड्स विल रोल हो जाएगा। वी कैन गेस, हम ये अनुमान लगा सकते हैं दैट की बॉस इज नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस से बॉस जो है वो खुश नहीं है।
फेस्टिवल रोग, यानी हम कह सकते हैं कि कुछ बर्खास्तगियां होंगी, कुछ लोगों को हटाया जाएगा, तो हेड्सविल रोल बर्खास्तगी होगा। सेट टू नॉट, इडियम है यहां से आपको, टू डिसरेगार्ड या टू रेडिक्यूल मीन्स अपमानित करना। ही वॉज नॉट सेट टू नॉट, यानी उसे अपमानित नहीं किया गया, बिकॉज क्योंकि he was honest and polite, क्योंकि वो ईमानदार और विनम्र था। तो सेट टू नॉट अपमानित करना। स्टेम द टाइड, टाइड ज्वार भाटा समझते होंगे, स्टेम नियंत्रित करना, तो स्टेम द टाइड, कंट्रोल द सिचुएशन, स्थिति को नियंत्रित करना। द न्यूज रिपोर्ट स्टेम द टाइड, यानी जो न्यूज रिपोर्ट थी उसने स्थिति को संभाला, आप प्रेजेंट सिचुएशन वर्तमान स्थिति, यानी वर्तमान स्थिति को न्यूज रिपोर्ट ने संभाला, बट लेकिन डिड नॉट स्टॉप इट फॉलिंग, लेकिन वो हमेशा उसे नियंत्रित नहीं कर पाई, रोक नहीं पाई, तो स्टेम द टाइड किसी स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। फ्रेजर वर्ब्स है आपके पास, डैश ऑफ, अगर आप डैश ऑफ कर लेते हैं इट मीन्स आप लिख लेते हैं, राइट कर लेते हैं आप, तो लिखना, ही डैश ऑफ थ्री लेटर्स, उसने तीन पत्रों को लिखा इन 10 मिनट्स, वो भी 10 मिनट में, बिकॉज क्योंकि ही वॉज इन अ हरी, क्योंकि वो जल्दीबाजी में था, तो डैश ऑफ टू राइट। लास्ट है आपका फॉल अपार्ट, ये भी फ्रेजल वर्ब है, टू ब्रेक इन टू पीसेस, यानी गिरना और फिर अपार्ट को जाना, टूट जाना, फॉल अपार्ट मीन्स बिखर जाना, टूट जाना। द रिकेटी चेयर, वो जो जर्जर कुर्सी थी, फेल अपार्ट, नीचे गिरकर टूट गई, व्हेन ही सेट ऑन इट, जब वो उस पर बैठा, तो फॉल अपार्ट बिखर जाना। थैंक यू, मेहनत करें, हर हाल में ये वर्ड्स आपके एग्जाम्स में काम आए, धन्यवाद।